उसमें शिकायत आ रही थी, काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी और हम लोग चाह रहे थे कि कब समय निकाले वहाँ पहुँचे। तो आज अभी कल ही जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने भी कड़ा निर्देश दिया था कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं वो लागू हो, ज़मीन पे दिखनी चाहिए और आप लोग एक्शन मोड में आ जाओ और कहीं भी कोई अगर कोताही बरतेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से जब आज हम लोग आए यहाँ पे देखे स्थिति खराब है, साफ़ सफाई की स्थिति ठीक नहीं है, पर जब हम अधिकारी लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ऑलरेडी हमारे SDM साहब ने जो साफ सफाई विभाग जिनको सौंपा गया है, जो लोग टेंडर पे लिए हैं उनको इन्होंने ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कर दिया है क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं है। तो इससे आगे भी ये जो है सूचना जाती है कि आगे जो कोई व्यक्ति आएगा इस पद पे या इस कार्य के लिए वो भी ये जान के रखेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो वहाँ हमको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा और हमको 10-15 दिन का सचिव साहब ने कहा है कि 15 दिन में पूरी मंडी साफ दिखेगी। तो मैं आप लोगों को 15 दिन बाद फिर यहीं मिलूंगा सचिव साहब के साथ में, आप भी आइए और वो उन्होंने जो वादा किया है उसको पूरा करें। किसी अधिकारी का नहीं जा रहा है इसके लिए? नहीं, गया है, अधिकारी का ध्यान गया है और उन्होंने निर्देश दिया है और वो चीज़ें हो रही है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कहीं कोई बीमारी फैल जाती है, बीमारी फैलने के बाद बच्चे मरने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं, उसके बाद आप लोग आते हैं ये कहने के लिए कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो उसके पहले ही ध्यान दीजिए ना कि यहाँ पे साफ सफाई रखिए। और ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनका भी ये दायित्व है कि वो जगह जगह कचरा ना फैलाएं, कम से कम जो कूड़ा कचरा है एक जगह रखिए ताकि जो साफ सफाई टीम आती है उसको उठाए और उठा करके कहीं ले जाके डंप कर दे। तो ये हम सबको जो है अवेयरनेस सबके लिए ज़रूरी है, सबको जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचेंगे कि सरकार की ही जिम्मेदारी है हम पूरा कचरा फैला दें जहां तहां, वो भी ठीक नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे सरकार जो है अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम कीजिए और कूड़ा कचरा एक जगह पे ही रखिए ताकि उसको सफाई किया जा सके। कुछ आपको कमियां मिली यहां पे? यहां पे बहुत कमियां मिली, यहां पानी निकलने की कोई सुविधा ही नहीं है। तो आप देखें कि एक दिन की बारिश हुई है और यहाँ पानी जमा हो गया, तो जब पूरी बरसात आने वाली है फिर क्या हाल होगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग पहले ही आए हैं और इसके लिए अभी SDM साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा कि यहाँ नाली का जो है अगर बना दिया जाए तो ये पानी निकल जाएगा, तो उसकी तत्काल व्यवस्था की जाएगी। करोड़ रुपया लगा करके रोड बना है सर, सीसी रोड बना, नाली बना है, लेकिन कोई उपयोग का नाली, पैसे का बंडा बाट किया गया यहाँ पर, पैसे आए और पैसे खत्म हो गए और नाली बना नहीं। नहीं, तो इसके इसलिए इसकी ही जिसकी भी जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति भी इसके जिम्मेदार हैं और उन्होंने काम सही से नहीं किया है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये महाराज जी का सीधा सीधा निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा निर्देश है कि जो भी व्यक्ति है और काम नहीं किया है, सिर्फ कागज पे दिखावा चल रहा है, वो बचेगा नहीं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है। जो भी है, जो भी चीजें सामने आएगी वो उसका आपको निवारण दिखेगा, 100% दिखेगा। कितने दिन का समय दिया आपने? हमको 15 दिन का समय सचिव जी ने दिया कि 15 दिन में मंडी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि